हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है और कंप्यूटर्स में डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। द नंबर सिस्टम इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस नंबर्स। नंबर सिस्टम एक तरीका है, एक वे है जिसकी हेल्प से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है। एवरी नंबर सिस्टम हैज़ अ सेट ऑफ यूनिक करेक्टर्स और लिटरल्स। नंबर सिस्टम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ करेक्टर्स या लिटरल्स को कंटेन करते हैं। लिटरल्स क्या होता है, आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं, लाइक आपका इंटीजर, फ्लोट, बुलियन एक्सेट्रा। ओके, द काउंट ऑफ दीज लिटरल्स इज कॉल्ड द रेडिस और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। एक नंबर सिस्टम के अंदर कितने करेक्टर्स हैं, राइट, उतना ही उसका क्या होता है, रेडिक्स होता है या बेस होता है। मान लो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स, तो डेसिमल नंबर का बेस क्या होगा, 10 होगा। बेस्ड ऑन द बेस वैल्यू एंड द नंबर ऑफ अलाउड डिजिट्स। एक नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू क्या है और वो कितने नंबर्स को अलाउड करता है, मींस वो कितने डिजिट्स को अलाउ करता है। नंबर सिस्टम्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। ओके, इसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, नंबर सिस्टम को कैटेगराइज कर रहे हो कि उसके अंदर कितनी, वो एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम कितने डिजिट्स को अलाउ करता है, उसकी बेस वैल्यू क्या है, राइट। द फोर कॉमन टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम सपोर्टेड बाय द कंप्यूटर्स आर। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि कंप्यूटर कौन कौन से नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है। फर्स्ट वी हैव द डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, अब इसको हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वी हैव द डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस 10 नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, बेस 10 नंबर सिस्टम है। इन दिस नंबर सिस्टम द डिजिट 0 to 9 रिप्रेजेंट नंबर्स। अब इसको बेस 10 नंबर सिस्टम क्यों कहा गया, क्योंकि ये 10 डिजिट्स को अलाउ कर रहा है। ओके, फ्रॉम 0 to 9, तो इसके अंदर आप कौन कौन सी डिजिट्स आ गई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ओके, तो इन डिजिट से जो भी नंबर बनेगा वो कौन सा नंबर होगा, डेसिमल नंबर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, 5, 6, तो ये मेरा कौन सा नंबर है, ये मेरा डेसिमल नंबर है। ओके, एज इट यूजेस 10 डिजिट टू रिप्रेजेंट अ नंबर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बेस 10 नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम 10 डिजिट्स का यूज़ करता है एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए इसको बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, राइट। The decimal number system is a positional value system in which the value of a digit depends on its position. तो decimal number system एक positional value system है, okay, जहाँ पे किसी भी digit की value कैसे जानी जाती है, उसकी position के according. ओके, कैसे, देखो, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द डेसिमल नंबर 729। हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 729, वी नो दैट द डिजिट 7 एक्चुअली रिप्रेजेंट 700। तो यहाँ पे जो 7 डिजिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 700 को। द 2 रिप्रेजेंट 2 टेंस, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 9 रिप्रेजेंट द यूनिट्स। ओके, अगर आप इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करें, देखो, अगर इस नंबर को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द जो उसकी वैल्यू है, पोजिशनल वैल्यू है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे देखो 9 क्या है, यूनिट प्लेस पे, तो 9 × 10⁻⁰। ओके, तो ये क्या, 10⁻⁰ क्या हो जाएगा आपका, 1, राइट। तो 2 × 10⁻⁰, ओके, क्योंकि 2 किस पे है, टेंथ प्लेस पे है। देन आपका 7 क्या है, 100 प्लेस पे है, तो आपका 7 × 10⁻² ओके, 700 + 20 + 9, ओके, अगर आप इसको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 729 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में सिंपली आपको ये बताया गया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो अपनी, उनकी जो वैल्यू होती है वो उनकी पोजीशन पे बेस्ड होती है। जैसे 7 की जो वैल्यू है वो 700 है, राइट, ओके, 2 की वैल्यू है वो क्या है, 20 है, 9 की वैल्यू क्या है, 9 है, ओके, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। ओके, द वैल्यू ऑफ द पोजिशन इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द नंबर। डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे आप राइट की तरफ जाते हो, लेफ्ट टू राइट आप जाते हो, तो क्या होता है, आपकी 10 की वैल्यू जो आपकी 10 की वैल्यू है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे देखो, पहले 10 की वैल्यू जो थी 10⁻⁰ थी, देन 10⁻⁰, देन 10⁻² 10⁻³ लाइक ओके, एवरी पोजिशन शोज अ पर्टिकुलर पार ऑफ द बेस 10। जितनी भी पोजिशंस होती है डेसिमल नंबर के अंदर, जितना बड़ा डेसिमल नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ले लिया 8762, ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है, ओके, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा आपका, 2 × 10⁻⁰,
ओके, एंड आपका 6 कैसे रिप्रेजेंट होगा, प्लस 6 इंटू 10^1, ओके 7 इंटू 10^2, देन 8 इंटू 10^3 क्या आएगा, 3, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की पार इंक्रीज होती चली जाएगी, एवरी पोजीशन शोज अ पर्टिकुलर पार ऑफ द बेस 10, फाइन। देखो फिर से देख लो, द वैल्यू ऑफ द पोजीशन इंक्रीजेस बाय 10 टाइम्स, हर बार 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे कि आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हो वैसे आपकी 10 की पार क्या होती है, इंक्रीज चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है, राइट। बट जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका नंबर कौन सा निकल के आएगा, आपका सेम ये नंबर निकल के आ जाएगा, फाइन। तो आपका ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है जो 10 डिजिट्स को अलाउ करता है। कौन कौन सी डिजिट आ गई, इसके अंदर 0 to 9 डिजिट्स आ गई हैं, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम, ओके। इसका बेस क्या है, 2 है। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द ऑन एंड ऑफ स्टेट ऑफ अ स्विच, कंप्यूटर सिर्फ ऑन एंड ऑफ स्टेट समझता है, राइट। दीज टू स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 और 0, तो अगर ऑन है तो क्या कंसीडर होगा, 1, और ऑफ है तो क्या कंसीडर होगा, 0। द कम्बिनेशन ऑफ 1 and 0 फॉर्म बाइनरी नंबर्स, तो इन दोनों का ऑन एंड ऑफ स्टेट का, 0, 1 की स्टेट को क्या माना जाता है, बाइनरी नंबर्स माना जाता है, ओके। और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, जिसके अंदर जो डेटा है किस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। दिस नंबर रिप्रेजेंट वेरियस डेटा, एज 2 डिजिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स, इट इज कॉल्ड बाइनरी और बेस 2 नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिजिट्स का सिर्फ यूज़ किया जाता है, 0 and 1, और इसकी हेल्प से ही कोई एक पर्टिकुलर नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब नॉट ओनली वन नंबर, आप इससे जितना भी कंप्लीट डेटा है उसको रिप्रेजेंट करोगे, बट किस फॉर्म में, 0, 1 की फॉर्म में, फाइन। इसलिए इसको बाइनरी और बेस 2 नंबर सिस्टम कहा जाता है। द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस पोजिशनल नोटेशन, बट इन दिस केस ईच डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय द अप्रोप्रिएट पावर ऑफ 2, ओके। तो यहाँ पे क्या है, बाइनरी नंबर भी क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम में भी जो वैल्यू होती है किसी पर्टिकुलर डिजिट की वैल्यू होती है वो उसकी पोजिशन के अकॉर्डिंग ही मानी जाती है। पर यहाँ पे क्या है, जितनी भी डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, पावर ऑफ 2, बेस्ड ऑन इट्स पोजिशन। जैसे हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है 1011101, ओके। अब इसे अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 1 into 2^0, ओके, ये आपका यूनिट प्लेस हो गया। देन आपका ये ऐसे इस टाइप से 0 into, अब सेकंड क्या आपका 0 into 2^1, फिर 1 into 2^2, देन 1 into 2^3, देन 0 into 2^4, देन 1 into 2^5, लाइक दिस, ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को, फाइन। तो यहाँ पे जो ये आपका बाइनरी नंबर था, अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 45 है, राइट, ओके। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, बेस 2 नंबर सिस्टम है, ओके। उसके अंदर ओनली 2 डिजिट्स का यूज़ किया जाता है, 0 and 1, एंड 0 and 1 की हेल्प से ही जितना भी डेटा है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे 45 को रिप्रेजेंट किया गया है किसकी हेल्प से, 1011101 की हेल्प से, ओके। नेक्स्ट वी हैव ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेस डिजिट 0 to 7, दैट इज 8 डिजिट टू रिप्रेजेंट नंबर्स, सो इट्स बेस इज 8। ऑक्टल नंबर में 8 डिजिट का यूज़ किया जाता है, 0 से लेकर 7 डिजिट का यूज़ किया जाता है, जिसकी हेल्प से ही नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसकी बेस वैल्यू भी 8 है। तो इसमें कौन कौन से डिजिट अलाउड हैं, 6 and 7। तो अगर मैंने कोई नंबर लिखा 3, 4, 7, तो ये मेरा क्या है, ऑक्टल नंबर है। अगर मान लो मैंने लिखा 3, 4, 9, तो ये क्या ऑक्टल नंबर है, नहीं है, क्योंकि इसमें 9 का यूज़ किया गया है, तो ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर है, ओके। दिस नंबर सिस्टम इज ऑल्सो यूज टू shorten लॉन्ग बाइनरी नंबर्स। इस नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम को shorten करने के लिए, उसको थोड़ा छोटा करने के लिए, क्योंकि बाइनरी जो नंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे डिजिट्स का यूज़ किया जाता है। द 3 बाइनरी डिजिट्स कैन रिप्रेजेंट अ सिंगल ऑक्टल नंबर, तो 3 बाइनरी डिजिट्स एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं, फाइन। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आपके पास टेबल है, बाइनरी इक्विवेलेंट्स दिए गए हैं, जैसे 0 है ऑक्टल नंबर, तो इसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0, 0, 0, देन 1 है आपका 0, 0, 1, देन 2 है 0, 1, 0, 1, 0, ओके, लाइक दिस, ओके। अगर हम इसको देखो वैसे करते हैं, अगर आप खुद करना चाहते हो तो यहाँ पे एक मेथड होता है, इसको कंसीडर करेंगे 1, इसको कंसीडर करेंगे 2, इसको कंसीडर करेंगे आप 4,
फाइन, तो जीरो में तो जीरो, जीरो के केस में तो सारे जीरो होंगे, फिर वन के केस में जहाँ पे वन वाला है वहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है, और टू के केस में टू वाला में टू जो जहाँ पे टू है वहाँ पे वन आ जाएगा, अब थ्री के केस में वन टू और वन दोनों में वन आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ये मैं आप जैसे अगर खुद से करना चाहो तो उसके लिए सिखा रही हूँ आपको। फोर के केस में आपके पास यहाँ पे आ गया वन और बाकी के दो जीरो, अब आपका फाइव, तो आपने फोर और वन के प्लेस पे वन लगा दिया, देन आपका सिक्स, आपने फोर और टू के प्लेस पे वन लगा दिया, देन आपका सेवन, तो आपने तीनों में लगा दिया वन, ओके। तो इस तरीके से आप ऑक्टल डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग बाइनरी नंबर्स, फाइन। ईच डिजिट इन एन ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बेस, एक ऑक्टल नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स होते हैं वो बेस एट की एक स्पेसिफिक पावर को शो करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, 24 आपका ऑक्टल नंबर है जिसे आप डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, 4 इंटू 8 रेस टू पावर 0 प्लस 2 जो आपका 2 नंबर है, 2 इंटू 8 रेस टू पावर 1, तो ये जो आपका 24 जो एक ऑक्टल नंबर है अगर डेसिमल में कन्वर्ट हो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 20, फाइन, ओके। नेक्स्ट वी हैव हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, दिस इज बेस 16 नंबर सिस्टम। इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16 डिजिट्स यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स का यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दस इट इज ऑल्सो नोन एज द बेस 16 नंबर सिस्टम, इसलिए इसको बेस 16 नंबर सिस्टम कहा जाता है। इसमें कौन कौन से डिजिट्स अलाउ हैं, इसमें डिजिट्स अलाउ हैं फ्रॉम 0 टू 9, ओके। डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 9 आर टेकन लाइक द डिजिट्स इन द डेसिमल नंबर, जितने डेसिमल नंबर में भी 0 टू 9 थे तो इसमें भी 0 टू 9 नंबर्स को लिया गया है, ओके। बट द डिजिट्स फ्रॉम 10 टू 15 आर रिप्रेजेंटेड एज, और 10 टू 15 डिजिट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया है, ओके, फ्रॉम एज ए टू एफ, 10 को रिप्रेजेंट किया गया है एज ए, 11 को एज बी, 12 को एज सी, 13 को एज डी, 14 को एज ई एंड 15 को एज एफ, ओके। दिस नंबर सिस्टम इज ऑल्सो यूज टू shorten लॉन्ग बाइनरी नंबर, जैसे ऑक्टल में क्या किया, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को शॉर्ट करता है, वैसे ही hexadecimal नंबर का भी यूज किया जाता है बाइनरी सिस्टम को शॉर्ट करने के लिए, ओके। द फोर बाइनरी डिजिट्स कैन रिप्रेजेंट, फोर बाइनरी डिजिट्स कैन रिप्रेजेंट वन hexadecimal नंबर, ओके। तो फोर बाइनरी डिजिट्स एक पर्टिकुलर hexadecimal नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ईच डिजिट इन एन hexadecimal नंबर रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पार ऑफ इट्स बेस, एक हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स होते हैं वो बेस 16 के एक पर्टिकुलर पार को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है 24, ओके, तो अगर आप इसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करोगे, 4 इंटू 16 रेस टू पावर 0 प्लस 2 इंटू 16 रेस टू पावर 1 और आगे और नंबर होता तो 16 रेस टू पावर 2, 16 रेस टू पावर 3 लाइक दिस, ऐसे वो कंटिन्यू होता। तो ये आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर 24 है वो डेसिमल में क्या होता है, 36, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट्स, बाइनरी जैसे हेक्साडेसिमल क्या है, यहाँ पे जीरो है तो बाइनरी, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 0 0 4 times 0, हेक्साडेसिमल यहाँ पे वन है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 1 0 0 0 लाइक, तो इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, 1 फिर देन ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3, सॉरी ये आपका 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ओके, 1 2 4 और ये आपका हो गया 8, फाइन, दिस इज योर 8। अब देखो, 1 में आपने 1 वाले पे कर दिया, 0 तो सारे 0 ही रहेंगे, 2 में आपने 2 पर 1 लगा दिया, देन 3 में आपने 2 प्लस 1 पे लगा दिया, देन आपने 4 में यहाँ पे लगाया है, ओके, 5 में आपने क्या किया है, 4 एंड 1 में लगा दिया, इसे आप खुद बना सकते हो, खुद कन्वर्ट कर सकते हो उन डिजिट्स को, ओके, 6 में आपने क्या किया है, 4 एंड 2 के प्लेस पे लगा दिया 1, 7 में आपने क्या किया, 4 6 और 1 पे लगा दिया है यहाँ पे, 8 में आपने 1, क्योंकि यहाँ पे जो ये लास्ट वाला 0 0 क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, 1 sorry 8, तो ये आपका ये हो गया लाइक दिस, ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।